ईडी ने जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के पूर्व चेयरमैन कमल मेहता की 12 करोड़ 98 लाख की संपत्ति कुर्क की है। इनमें जयपुर, जोधपुर और दिल्ली की संपत्तियां भी शामिल हैं और ये कार्रवाई एसओजी की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर की गई। ईडी अब तक मेहता की 21.51 करोड़ की चल अचल संपत्तियां कुर्क कर चुकी है। दरअसल छात्रों को फर्जी डिग्री मार्कशीट बांटने के मामले में एसओजी ने 17 दिसंबर 2014 को मेहता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसके आधार पर 8 जुलाई 2015 को ईडी ने मामला दर्ज किया। मामले में ईडी की जांच अभी भी जारी है।